welcome back to my channel The Art Bird. I am Riya here. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, जिन बातों का ध्यान में रख के अगर आप अपना डॉटेड मंडाला बनाएंगे तो आपका डॉटेड मंडाला बहुत ही प्यारा बनेगा. गाइज, मैंने कुछ मंथ पहले एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करा था डॉटेड मंडाला का, जिस वीडियो पर आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया और मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मेरी वीडियो को देखकर ये आर्ट बनाया. और मैंने जो वीडियो बनाया था वो विदाउट एनी डॉटिंग टूल के साथ था, जिसमें आपको कोई टूल नहीं चाहिए डॉटिंग के. आप बेसिक जो आपके पास मटेरियल होता है उससे आप बना सकते हैं, जैसे ब्रशेस के टिप्स हुए, ईयरबड्स हुए, टूथपिक. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मैंने डॉटेड मंडाला बहुत सारे बनाए हुए हैं और साथ ही साथ मैंने एक ग्लास बॉटल पर और एक मोबाइल कवर पर डॉटेड मंडाला बनाए थे, वो भी विदाउट एनी डॉटिंग टूल के. आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ सब मिल जाएंगे. सो गाइज, मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को देखकर अपना आर्टवर्क बनाया था और उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करी थी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे. तो मैंने उनकी कुछ जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ. इस वीडियो में मैं 6 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिन बातों का ध्यान में रखकर अगर आप डॉटेड मंडाला बनाएंगे तो आपका डॉटेड मंडाला बहुत परफेक्ट बनेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. और गाइज, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप पर सबसे पहले आए. मैं इस टाइप के कंटेंट लाती रहती हूँ. और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप डॉटेड मंडाला बनाएं तो आप कैसे सरफेस पे बना रहे हैं ये बहुत मैटर करता है डॉटेड मंडल में. अगर आप बहुत पतला पेपर लेंगे और उस पर डॉट मंडल बनाएंगे, डॉट क्रिएट करेंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद ये बैक साइड से कुछ ऐसा रिजल्ट देता है, ये पीछे पूरा उछर जाता है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा. तो इसलिए जब भी आप डॉटेड मंडाला बनाएं तो मेक श्योर कि जो सरफेस है, मतलब जो भी पेपर आप यूज़ करें वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ताकि जब आप उसमें डॉट बनाएं तो वो आर पार ना हो. वो डॉट आप सीडी पे बना सकते हैं, आप ब्लैक पेपर ऐसे आते हैं ऑनलाइन, कार्डबोर्ड्स आते हैं, आप उन पे बना सकते हैं. अगर आप पास कुछ भी ना हो तो ओल्ड सीडीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सीडीज़ पे बहुत सारे मंडाला बनाए हुए हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं. और गाइस, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है. अगर आप पतले पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिगनर्स के लिए. अगर इस बात का वो ध्यान में रख के अपना डॉट मंडल बनाएंगे तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा. सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप डॉटेड मंडाला बनाते हैं, अगर आप टूल के साथ बनाते हैं या फिर आप विदाउट डॉटिंग टूल बनाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डॉट क्रिएट करते हैं और आपका डॉट क्रिएट होने के बाद काम कम्प्लीट हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप एक टिश्यू पेपर अपने साथ रखें और ये जो एक्सेस होता है कलर उसको पोंछ लें पूरा, और ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम, मतलब आप नेक्स्ट बार इसका यूज़ करेंगे तो ये क्लीन रहेगी. अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे, इस पर कलर रहेगा, तो डॉट सेम साइज़ के नहीं बनेंगे, ये बड़े बनेंगे. तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको एक टिश्यू पेपर अपने साथ रखना होगा और जो एक्स्ट्रा कलर होगा उसको आप पोंछते रहिएगा. चाहे आपके पास टूल हो, चाहे आपके पास ना हो, आप पेंसिल्स का यूज़ करें, ब्रश की टिप्स का यूज़ करें, किसी का भी यूज़ करें, ईयरबड्स का करें, तो ये आपको ध्यान रखना होगा. थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी ईयरबड का यूज़ करके डॉटेड मंडाला बनाते हैं, जिनके पास डॉटेड टूल नहीं है, तो वो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप डायरेक्ट इस पर कलर अप्लाई किए बिना अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डॉट के जो साइज़ होंगे वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकते हैं,
और प्रॉपर नहीं बनता है, क्योंकि इस पर कॉटन होता है और वो कलर सोख लेता है और साइज़ छोटे बड़े करता है। तो इसलिए जब भी आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, थोड़ा सा कलर ले वाइट कलर का और इस पर लगा के इसको ड्राई होने दीजिएगा, और ड्राई होने के बाद आप इसको अप्लाई करिएगा, इससे कलर इससे डॉट क्रिएट कीजिएगा, तो आपके डॉट इक्वल बनेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ईयरबड में। और जब भी आप ईयरबड का यूज़ करें और या फिर कोई भी टूल का यूज़ करें तो आप हमेशा क्लीन करें, ये भी प्रोसेस आपको ध्यान रखना होगा। ये है कि जब भी मैं डॉट मंडल बनाती हूँ तो मैं कभी भी डायरेक्टली बॉटल में से कलर नहीं लेती हूँ। उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी कभी प्रॉपर नहीं रहती है। ओपन रहने से बॉटल में जो कलर होता है वो जल्दी ड्राई भी होता है और उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, या तो मैं इस ट्रे में थोड़ा सा कलर जितना मुझे नीड है, रिक्वायरमेंट है, उतना मैं निकाल लेती हूँ और फिर उससे मैं डॉट क्रिएट करती हूँ, या फिर इस टाइप के मैं ये कलर की बॉटल सेव करके रखती हूँ, जो मेरे कलर ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं ये वॉश करके रखती हूँ, और इसमें मैं अपने कलर बनाती भी हूँ, जो अगर मुझे नया कलर बनाना रहता है। और मैं इसमें जो इस बॉटल से कलर है थोड़ा सा इसमें रखती हूँ ताकि मैं डॉट बनाऊँ और मेरा ये पूरा कलर जो है जल्दी सूखे ना, प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहेगी तो ये डॉट पर्ल की तरह बनेगा। और अगर ये पर्ल की तरह नहीं बनेगा, थोड़ा चिपका सा बनेगा, इसका मतलब ये थोड़ा थिक है। आप इस पर थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो ड्राई होने के बाद इसमें बबल्स बनते हैं और बबल्स बनने के बाद ये बहुत ही गंदा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। ड्राई होने के बाद आपको समझ में आएगा, इसलिए आप उसमें ज़्यादा पानी ना मिलाएं। और हो सके तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हो सके तो एक मीडियम परचेस कर लीजिए, पोर मीडियम जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छा होगा। उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने में बहुत अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा सा ग्लॉसी इफ़ेक्ट भी आता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं, बस थोड़ा सा। अगर ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो क्या होगा, ड्राई होने के बाद उसमें बबल क्रिएट होंगे और जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा आप लोगों के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट ये है कि जब भी आप डॉट क्रिएट करें तो प्रेशर के साथ आप यूज़ ना करें। अगर आप प्रेशर करेंगे तो ये बिल्कुल भी पर्ल की तरह नहीं बनेगा। अगर आप बहुत ही प्यार से डॉट क्रिएट करेंगे तो ये बहुत प्यारा पर्ल की तरह बनेगा। प्रेशर में बहुत बुरा डॉट आएगा, इसलिए आप प्रेशर उस पर बिल्कुल भी ना दीजिए। आप एकदम सॉफ्ट हाथ से बनाइए। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप डॉटेड मंडाला बनाएं तो आप ब्लैक कलर की शीट पे या फिर ब्लैक किसी भी चीज़ से बनाएंगे तो बहुत ही कलर इस पर इन्हेंस होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप हो सके तो जहाँ तक आप ब्लैक कलर पर ही डॉटेड मंडाला बनाएं, और अगर आपको पसंद हो तो आप और कलर पे जा सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैं हमेशा ब्लैक कलर पर ही डॉटेड मंडाला क्रिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर पर डॉटेड मंडाला, क्योंकि पूरे कलर बहुत प्यारे इन्हेंस होते हैं। आप भी अगर बिगनर्स हैं तो आप भी हमेशा ब्लैक कलर की शीट, ब्लैक कलर की सीडी ही पेंट करने के बाद पे डॉटेड मंडाला बनाएं। गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो में ये 6 पॉइंट बहुत हेल्प करेंगे आपके डॉट मंडल को इम्प्रूव करने में और बनाने में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आप मेरी वीडियो को देखकर आर्टवर्क क्रिएट करेंगे तो प्लीज़ उसकी पिक्चर आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।